शाहिद मीरा एक दूसरे के हो गए हैं। तो इस मौके पर आज हम आपको दिखाते हैं इनकी इस खूबसूरत जर्नी की एक झलक। नवंबर दिसंबर 2014 में शाहिद मीरा की हुई पहली मुलाकात। जनवरी में पंकज कपूर ने मीरा के फादर से डिस्कस की इनके रिश्ते की बात। 14 जनवरी 2015 को शाहिद और मीरा की हुई थी सगाई। खबरें थी कि शुरुआत में एज गैप के चलते मीरा ने इस रिश्ते को कर दिया था इनकार, पर बाद में बड़ी बहन के समझाने पर वो हो गई कन्विंस और दे दी अपनी सहमति। हालांकि शाहिद ने काफी वक्त तक मीरा के साथ सगाई की बात को छुपाए रखा, पर एक अवार्ड फंक्शन के रेड कार्पेट पर उन्होंने मीरा के साथ अपने रिश्ते की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मीडिया को दे दी। Not engaged, but what you've been reading is kind of true. Marriage is on the cards sometimes towards the end of the year. शाहिद के इस कन्फेशन के बाद उठने लगे सवाल कि कब और कहां करेंगे शाहिद शादी। कभी खबर आई कि ग्रीस में करेंगे शाहिद शादी, तो कभी बाली में, कभी सुनने को मिला कि जून में होगी शादी, तो कभी दिसंबर 2015 में। इस बीच खबरें आईं कि शाहिद मीरा को लेकर मलेशिया भी गए थे एक अवार्ड फंक्शन अटेंड करने। फाइनली जूम को पता चला कि जुलाई 7 को करेंगे शाहिद गुड़गांव में शादी। 6 जुलाई के दिन मीरा राजपूत को लगाई गई हल्दी। उसी दिन दोपहर में शाहिद दिल्ली के लिए रवाना हुए। 6 जुलाई की रात को ही संगीत और मेहंदी की रस्म हुई। संगीत में शाहिद की ओर से थे करीब 45 लोग, वहीं मीरा की साइड से थे तकरीबन 105 मेहमान। संगीत में शाहिद ने जहां पहना था मरून बंद गला और जैकेट, वहीं मीरा दिखाई दी ब्राइट येलो लहंगा और बैकलेस चोली में। जैसे ही शाहिद ने मीरा के लिए डांस किया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड गाने पर, तो घर के अंदर हुआ धमाल बाहर भी सुनाई दे रहा था। दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड के अलावा सैटरडे सैटरडे, चिटियां कलाइयां, मौजा ही मौजा और तू मेरे अगल बगल है गानों पर भी थिरके मीरा शाहिद। सलमान की फिल्म किक के गाने जुम्मे की रात और यार न मिले पर भी शाहिद मीरा ने थिरकाए अपने कदम। गानों के अलावा ढोल वालाज ने संगीत में ऐड किया पंजाबी टच। संगीत के बाद अब बारी आई मेहंदी लगवाने की, तो हमारे दूल्हे राजा शाहिद तो शर्मा ही गए। एक ओर जहां शाहिद को अपने हाथों में मेहंदी लगवाने में आ रही थी शर्म, वहीं मीरा ने खुशी खुशी लगवाई शाहिद के नाम की मेहंदी। संगीत और मेहंदी के बाद शाहिद ने एक इमोशनल स्पीच भी दी, जहां उन्होंने एक ओर अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा किया, वहीं दूसरी ओर मीरा का अपनी फैमिली में किया वेलकम। 7 जुलाई की सुबह शाहिद और मीरा का हुआ गठबंधन। सुबह करीब 5 बजे वेडिंग फंक्शन हुआ गुड़गांव के एक प्राइवेट बंगलो पर। शादी में सिर्फ 50 लोग ही थे मौजूद। शाहिद के बारात में नहीं था कोई लाउड म्यूजिक, सिर्फ बज रहे थे ढोल। शाहिद ने ढोल की धुन पर डांस भी किया। दूल्हे के भेस में शाहिद ने पहनी गोल्डन शेरवानी और पगड़ी, वहीं मीरा का आउटफिट डिजाइन किया था अनामिका खन्ना ने बतौर अनामिका। द वेडिंग आउटफिट इज ट्रूली स्पेशल इन सॉफ्ट शेड्स ऑफ पिंक डिराइव फ्रॉम ओल्ड यूरोपियन हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। इट इज डेलिकेट एंड एलिगेंट एट द सेम टाइम पावरफुल विद इट्स प्रेजेंस। इट्स अ प्योरली ट्रेडिशनल आउटफिट एक्सेप्ट फॉर द कलर प्ले। दिल्ली के बाद अब मुंबई में 12 जुलाई को रखा जाएगा एक ग्रैंड रिसेप्शन, जहां दिखाई देंगी बॉलीवुड की कई हस्तियां। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।